हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज मैं यहाँ पे हाजिर हूँ एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेकर, और आज है माइक्रोधाम विजिट, यानी यहाँ पे इस्कॉन टेंपल विजिट का सेकेंड डे। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से जगह देख लीजिएगा, आईबटन में वीडियो मिल जाएगा। और उस वाला वीडियो में मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा प्लेस विजिट किया है, सब कुछ यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा। और आज ही हम लोग यहाँ पे जो काफ़ी सारा घूमेंगे और यहाँ पे जो है बहुत सारा जगह भी जाएंगे। हम लोग अभी यहाँ पे जो निकलेंगे यहाँ से गौशाला के लिए, और वहाँ पे जाके भी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। जो भी चीज़ हमें देखेंगे सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज इसको लाइक कर देना और सभी फ्रेंड के साथ इसको शेयर जरूर कर देना। तो चलते हैं यहाँ भी और देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो लेट्स गो। तो अभी हम लोग दोबारा से यहाँ पे जो निकल चुके हैं अभी मतलब बाहर, और अभी यहाँ पे सुबह का जो वेदर है वो काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे मतलब ऐसे में सुबह इतना अच्छा वेदर नहीं देखने को मिलता है। सांस लेने में बहुत ही एक मतलब फ्रेशनेस फील हो रहा है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग गौशाला की तरफ और वहाँ पर जाके देखेंगे क्या क्या है। चलते हैं अभी। तो हम लोगों को एक यहाँ पे कुछ फूल देखने को मिल गया, कुछ फूल दिख रहे हैं। और हम लोगों को एक दो शायद आप लोगों को दिखेगा कि नहीं पता नहीं, देख सकते हैं कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है फ्लावर और यहाँ पे है। तो कुछ बहुत सारे कोमल का फूल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो अभी जो वेदर है वो काफ़ी मतलब बहुत ही एकदम काम वेदर है और बहुत ही एकदम मतलब रिलैक्सेबल फील हो रहा है। तो अभी यहाँ पे चलते हैं। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे जो है गौशाला की तरफ आ चुके हैं, और जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हम लोगों को गाय भी देखने को मिल गया। तो ये है मेन एंट्रेंस और यहाँ से हम लोग भी अंदर जाएंगे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो बिल्कुल एकदम फ्रेश और पूरी एकदम क्वालिटी से एकदम बिल्कुल अच्छा क्वालिटी का है। तो ये है गौशाला। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारा गाय है यहाँ पे। देख सकते हैं इन गायों का साइज़, देख सकते हैं भाई काफ़ी, देख सकते अगर दिखाऊं मैं अच्छे से तो साइज़ देखिए
इन सारे गायों का। तो मतलब यहाँ पे और भी यहाँ पे एक आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे काफ़ी बड़ा बड़ा जो मतलब अच्छे वैराइटीज़ के जो भी गाय वगैरह होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस गाय का सींग देखिए भाई, खतरनाक देखो। और सारे गाय का साइज़ देखिए यार, मतलब काफ़ी बड़ा है। तो इस साइड भी यहाँ पे एक है। तो गाइस यहाँ पे एंटर करने के टाइम हम लोगों को जिस स्टोर दिखा था, हम लोग अभी उसी स्टोर पे आ चुके हैं। और यहाँ पे सारे जो प्योर प्रोडक्ट्स जो हैं, तो उनमें से हम लोग यहाँ पे जो कुछ खाएंगे, कुछ यहाँ पे जो मिल जाते हैं, लस्सी वगैरह मिल जाते हैं, तो वो सारे यहाँ पे देखेंगे, ट्राई करेंगे कि कौन सा हम लोग अभी मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या खाएँगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डिसीजन चल रहा है कि यहाँ पर क्या खाएँगे, उसके बाद जाके हम लोग यहाँ पर कुछ ऑर्डर करेंगे और उसको खाएँगे। तो अभी देखते हैं कि क्या खाते हैं। तो यहाँ पर सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पर जो मतलब एकदम प्योर है और ओरिजिनल है। और यहाँ पे काफ़ी सारा प्रोडक्ट्स है, और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ मिठाई वगैरह भी है, और यहाँ पे लस्सी का भी यहाँ पे मिल जाएगा उसके साथ, और भी बहुत सारे हैं, खीर भी है। तो अभी डिसाइड करते हैं कि क्या खाएंगे। A few moments later. तो अभी हम लोग जब गौशाला से आ चुके हैं, और अभी हम लोग जो है आए हैं थोड़ा पार्क के अंदर बैठेंगे, और यहाँ पे कुछ फ़ोटोशूट वगैरह होगा। तो अभी यहाँ पे आए हैं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे एक और प्लेस के लिए। उसके बाद वहीं से हम लोग जो है वापस चले जाएंगे अपने अपने घर। तो अभी यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ा रिलैक्स करेंगे, और उसके साथ साथ कुछ फ़ोटो वगैरह शूट करेंगे, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस अभी हम लोग दोबारा से यहाँ पर निकल चुके हैं, और हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे जो रूम से चेकआउट कर लिया है, क्योंकि 9 बजे का टाइम था चेकआउट करने का। तो चेकआउट करके हम लोग यहाँ पे जाएंगे। अभी यहाँ पे एक पास में एक थिएटर है, जहाँ पे अभी जो है भगवान से रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टोरी वगैरह दिखाया जाएगा। तो हम लोग वहीं जाएंगे और स्टोरी देखेंगे, और यहाँ पे आधा घंटे का एक शो है, उसको देखने के बाद यहाँ पे पास में एक और टेम्पल है, सिंपली उसको विजिट करेंगे, और हम लोग जाएंगे अपने घर के। और यहाँ पे उसके बीच में ही रास्ते के पास यहाँ पे एक और छोटा सा मंदिर है, हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे। वहाँ पे कुछ अपने लोग शॉपिंग वगैरह करेंगे, कुछ यहाँ पे मतलब चीज़ परचेस भी करना है। तो वो लोग वो सब चीज़ यहाँ पे परचेस करने के बाद हम लोग जो है निकल जाएंगे अपने अपने घर के लिए। तो अभी यहाँ पे जाएंगे अभी थिएटर के और यहाँ पे जाके हम लोग जो स्टोरी यहाँ पे दिखाया जाएगा हम लोगों को, वो देखेंगे, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे एक थिएटर बनाया गया है, जिसको यहाँ पे बोल रहा है मायापुर फुल डोम थिएटर, आई थिंक दिख रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे थिएटर के अंदर, और अगर हो सके तो मैं यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे अंदर मतलब क्या देखने को मिलता है। तो अभी जाएंगे और देख सकते हैं, मतलब अलग सा ही प्लेस है ये। A few moments later. तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे थिएटर से निकल चुके हैं, और थिएटर में इसी में थे, और उसके बाद बाहर निकले तो मतलब सारा मतलब पूरा बॉडी जल गया एकदम, ऐसा लग रहा है बाहर बहुत गर्म लग रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे मंदिर वो विजिट करने के लिए, उसके बाद जाके हम लोग जाएंगे यहाँ पे जो प्लेस हम लोग को जाना था राजापुर, तो हम लोग उसके लिए निकलेंगे। तो अभी चलते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट मंदिर की ओर। तो गाइस यहाँ पे थिएटर के सामने से यहाँ पे जो न्यू मंदिर बन रहा है उसका व्यू कुछ इस तरह सा है, और जैसे कि देख पा रहे हो, और उसके साथ यहाँ पे इस साइड पे है थिएटर। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो थिएटर वगैरह ख़त्म कर चुके हैं, और यहाँ से जो निकलेंगे अभी यहाँ पे जाएंगे सामने एक और मंदिर है, उसको विजिट करने जाएंगे। तो अभी यहाँ पे जो मंदिर के रोड पे ही बहुत सारे आपको यहाँ पे स्टोर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे अगर आप कुछ भी चीज़ परचेस करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे चीज़ आपको ख़रीदने के लिए मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ पे एक रथ है बहुत ही एंशियंट, आपको देखने को मिलेगा। तो ये
देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे बहुत सारे दुकान जो है कपड़े का दुकान और भी यहाँ पे जो दूसरे दूसरे दुकान यहाँ पे जो देखने को मिल जाएगा। और ये रहा वो टेंपल जो कि इस तरह से दिखता है, तो इसके अंदर तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि इसके अंदर फोटोशूट या फिर वीडियो शूट अलाउ नहीं है, मतलब मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है, तो इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन आपको बाहर से ही इसका नज़ारा दिखा रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसके बीच इसके अंदर हम लोग कल रात को ही गए थे, लेकिन मैंने उस टाइम शूट नहीं किया था। तो इसके अगर अंदर जाएंगे तो यहाँ पे इसके रूफ में आपको बहुत ही अच्छा सा पेंटिंग देखने को मिलेगा जो काफ़ी सुंदर है। और पूरा यहाँ पे जो है वो छत पे एकदम पूरा पेंटिंग है जो मतलब काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग दिखेगा और काफ़ी यहाँ पे जो मतलब एक्सक्लूसिव दिखेगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे एक छोटा सा झील है जहाँ पे दोल पूर्णिमा के टाइम यहाँ पे जो फेस्टिवल वगैरह होता है। और यहाँ पे अभी जो आपको दिखेगा तो यहाँ पे पानी के अंदर यहाँ पे एक बोट में अच्छे से यहाँ पे जो मतलब सब कुछ भगवान को सजा के यहाँ पे पूजा किया जाता है। और इसके अंदर यहाँ पे जो एक बोट में पूरा यहाँ पे जो सारा डेकोरेशन करके इसके बीच में जो यहाँ पे पूजा होता है। और यहाँ से अगर मंदिर का अगर आप देखेंगे व्यूज कुछ इस तरह का, और मंदिर के ऊपर से जो व्यूज़ है वो काफ़ी मतलब काफ़ी सुंदर है। तो हम लोग यहाँ पे जो कल शाम को यहाँ पे गए थे उसके ऊपर, तो हम लोगों को मतलब बहुत ही अच्छा लगा इसके ऊपर से व्यू जो है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है टेम्पल का पूरा व्यू आपको दिखेगा यहाँ से, और ये काफ़ी एक्सक्लूसिव दिखेगा। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे जो है मंदिर विजिट करने के लिए, मतलब यहाँ पे जो भी छोटा मोटा जो भी सारे मंदिर से वो सारे विजिट करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे अभी और भी यहाँ पे सारे जो मंदिर इसके इस एरिया के अंदर है वो सारे को विजिट करेंगे और उसके बाद जाएंगे हम लोग घर। तो चलते हैं और जितने भी सारे मंदिर से वो सारे आपको दिखा देंगे, मतलब एक यहाँ पे एक ही मतलब रिदम में सारे शॉट को एक साथ मैं कैप्चर करके दे दूँगा, क्योंकि यहाँ पे सारे उसको एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे जो हम लोग बहुत जल्दबाजी में दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे जाएंगे उतरेंगे दिखेंगे और दोबारा से नेक्स्ट मंदिर की ओर जाएंगे, ठीक है।
तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे पूरे सारे मंदिर घूम के आ चुके हैं और हम लोगों ने अभी अभी यहाँ पे जो जगन्नाथ मंदिर दर्शन करके आ चुका हूँ और अभी हम लोग जाएंगे स्टेशन और उसके बाद ट्रेन पकड़ के जाएंगे अपने घर। तो अभी यहाँ पे स्टेशन के लिए जा रहे हैं और देखते हैं कि अभी यहाँ पे क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे अभी जो है चल के जा रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई टोटो वाला हम लोगों को मतलब फेयर प्राइस में ले जाए, लेकिन जिसको ये पूछ रहे हैं जाने के लिए वो प्राइस बहुत ही हाई बता रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन हम लोगों को फेयर प्राइस में ले जाएगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे और वहाँ पे अगर कुछ खाना वगैरह खाना होगा तो वो खा के हम लोग निकल जाएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग था और मतलब बहुत सारा प्लेस हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, बहुत सारा प्लेस हम लोगों ने विज़िट कर लिया, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ भी यहाँ पे एक्सप्लोर किया। तो अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा। A few inches later, हम अभी का जॉल कोमे देते हैं। तो गाइस फाइनली जो है हम लोगों को एक फेयर प्राइस में टोटो मिल गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की तरफ और वहाँ पे ट्रेन पकड़ के हम लोग जो है निकल जाएंगे यहाँ पे अपने घर के लिए। मतलब हम लोग एक साथ ही जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जो बरहमपुर से हम लोग दोबारा अपने अपने घर के लिए निकलेंगे और अभी हम लोग जाएंगे धुलिया स्टेशन और धुलिया स्टेशन से हम लोग जाएंगे बरहमपुर फोर्ट का बॉल, ठीक है। वो भी चलते हैं और शायद हम लोगों को यहाँ पे जो 2 बजे का एक ट्रेन है वो मिल जाएगा और उसके बाद ही हम लोग निकल जाएंगे। देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेन मिलता है नहीं मिलता है। और तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे स्टेशन पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ट्रेन भी आ चुका है, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो है ट्रेन में चढ़ जाएंगे क्योंकि हम लोग को अगर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। जाके अभी यहाँ पे जो है हम लोग ट्रेन में चढ़ते हैं और उसके बाद पहुँच जाएंगे बरहमपुर और उसके बाद जाएंगे आप अपने घर। अभी देखते हैं। 2 hours later. तो गाइस फाइनल हम लोग जो बरहमपुर पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ से जो निकल जाएंगे आपके अपने घर के और काफ़ी सारे दोस्त ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो निकल चुके हैं अपने अपने घर के और हम भी यहाँ पे जो निकल जाएंगे। अभी हम लोग 2 बंदे यहाँ पे जो हैं और यहाँ से ही निकल जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा जो जर्नी है वो सारे जर्नी में बहुत सारा इन्जॉय किया हम लोग, बहुत सारे यहाँ पे जो प्लेस घूमे ऑलरेडी, तो शायद आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, अपने साथ फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर देना ताकि वो भी यहाँ पे प्लेस के बारे में जान सके, वो भी यहाँ पे अगर कभी जाना चाहें तो वो भी यहाँ पे जा सके और मैं हो सके तो यहाँ पे इसका जो भी रूट वगैरह का जो भी यहाँ पे लोकेशन का जो भी यहाँ पे लिंक है वो डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो उससे आप यहाँ पे जो जगह पहुँचने आपको आसानी हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जो विज़िट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लेस है, तो आप भी जाइए वहाँ पे घूमिए। वहाँ पे थोड़ा बहुत आप यहाँ पे अगर रिलीजियस हैं तो ऑब्वियसली आपको जाना चाहिए। तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिएगा और वीडियो को मस्ट आप लाइक करके अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके बाद यहाँ पे बेल का आइकन क्रिएट होगा उस पर क्लिक करके उसको और पे कर लेना। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।